पन्ना से बड़ी खबर, जेल परिसर में हवाई फायरिंग। उप जेलर मंजू कुजूर के पति ने हवाई फायर किया है। जेल में कर्मचारियों के साथ विवाद हुआ था, मामले को लेकर उप जेलर के पति ने फायरिंग की है। आरोपी की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है, आरोपी फरार भी हो गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उप जेलर मंजू कुजूर के पति ने हवाई फायर किया है और कर्मचारियों के साथ ये विवाद हुआ था जेल में, जिसके बाद ये फायरिंग हुई है। मामले को लेकर उप जेलर के पति ने फायरिंग की। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता कादिर खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कादिर, सबसे पहले तो पूरा मामला आपसे समझना चाहेंगे, जेल परिसर में हवाई फायरिंग होती है, जो आरोपी है वो फरार भी हो जाता है। जी, दरअसल जो आरोपी है आपराधिक प्रवृत्ति का है और मंजू कुजूर जो उप जेलर है उनका पति है। लगातार कर्मचारियों पर दबाव बनाता रहता है अपने मर्जी के लिए, जिसको कर्मचारियों और इनके बीच विवाद हुआ और इसके बाद उन्होंने दबाव बनाने के चक्कर में जेल परिसर में हवाई फायरिंग कर दी और मामला कायम हो चुका है जिला कोतवाली पन्ना में और पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई है। चलिए, जो आरोपी है वो जेल में क्या कर रहे थे? उप जेलर के पति बताए जा रहे हैं, तो कोई कारण होगा जाने का? जी, उप जेलर का दरअसल जो निवास है वही जेल परिसर में ही है। हाँ। और इसके कारण से वहीं पर रहता था और लगातार कर्मचारियों पर अपनी मर्जी के लिए दबाव बनाते थे, क्योंकि वो पहले से भी अपराधी प्रवृत्ति का है। और इसी को लेकर कर्मचारियों और उप जेलर के पति में विवाद हुआ और जिसको लेकर उन्होंने हवाई फायरिंग कर दी। चलिए, नजर बनाए रखेगा, अब देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होती है, लेकिन आरोपी अभी भी फरार है, इसे लेकर कोई अपडेट? जी, पुलिस तलाश में जुटी है। आरोपी के लिए जो जेलर है उनके जो परिजन है, जो करीबी है, उनसे पूछताछ कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द गिरफ्त में होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। नरसिंहपुर में विधायक जालम सिंह पटेल ने मीडिया से बात करते हुए